हाय, आई एम सुमैया खान। वेलकम टू द जायका दिल्ली चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेटी कोल्ड कोका की रेसिपी। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मेरे पास एक कुछ सामान है जिसमें से मैंने मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क है, और मैंने 2 पैकेट लिया है, मीन्स 1 kg। ये मेरे पास शुगर है, 1 कप शुगर ली है मैंने यहाँ पे, और ये मेरे पास क्रीम है, ये आपकी ऑप्शनल है क्रीम, आप चाहो तो लो या नहीं। ये मेरे पास कोल्ड कोका पाउडर है, देख सकते हैं आप। ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है वेनिला फ्लेवर का, आप कोई भी फ्लेवर चूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉफ़ी ली है, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसे सर्विंग भी करूँगी। चलिए, पहले हमने ठंडा दूध निकाल लिया है 2 कटोरियों में, जिसमें से 1 कटोरी में हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। ठंडा ही दूध लेना है। इसमें 1.5 चम्मच मिलाया है। अब दूसरे में मैं कोका पाउडर मिलाऊंगी इसमें, ये भी मैंने 2 टीस्पून ही लिया है। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मिक्स हो गए हैं दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम मिल्क लेंगे और इसे बॉईल करेंगे। मिल्क हमारा देख सकते हैं बॉईल हो रहा है और हमें 1 बॉईल का इंतजार करना है। अब मैं इसमें कोको पाउडर हमने मिक्स कर दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इसमें बॉईल आ जाए हम जब तक पकाएंगे, और ये थिक भी होता रहेगा। देख सकते हैं आप, अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जितनी भी हमने शुगर ली थी हम उसमें सारी शुगर ऐड करेंगे। शुगर हम एज पर टेस्ट ही लें, अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी लें, अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप कम चीनी लें, इससे मीठा ज़्यादा पसंद होगा तो ज़्यादा लेगा। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, देख सकते हैं हम इसमें कि बॉयल अच्छी तरीके से आ गया है और ये काफ़ी अपनी क्वान्टिटी में थिक भी हो चुका है। हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे अपना जो भी, और इसे अच्छी तरीके से चला दें। इसे हल्के हल्के हाथ से चलाते रहें और फ्लेम कम करके चलाएं क्योंकि इसमें बॉईल आ चुका है, देख सकते हैं इसमें बॉईल और अच्छी तरीके से आ गया है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। यहाँ देखिए मैंने 2 ग्लास है जिन्हें डेकोरेट कर लिया है अपने कोको पाउडर की पेस्ट से। अब मैं इसमें ये अपना कोल्ड कोको रेसिपी स्टार्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप चाहो तो इसे आइस क्यूब में भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे आइस क्यूब ऐड करे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा आइस क्यूब से। गर्मियों में बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब इसमें और चाहे तो ऊपर से चॉकलेट ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको ट्राई करना चाहिए इस रेसिपी के। देख सकते हैं हमारे कप बिल्कुल रेडी हैं, अब ये पीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू सो मच।